बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो बच्चों, आज आपको देखकर बड़ी हैरानी हो रही होगी, इस वीडियो को देखकर बड़ी हैरानी हो रही होगी, ये क्या टॉपिक आज मैंने इसमें छेड़ दिया है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 800 ग्राम की कीमत क्या होगी। थंबनेल देखकर भी आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि क्या ये क्या सवाल है, लेकिन बच्चों यकीन मानिए, जो छोटे छोटे बच्चे अभी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट 11वीं 12वीं में भी जो पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लासेस तो पढ़ ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें कई बार हम क्या करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं और उनकी हमें समझ नहीं हो पाती है। होता है, सबके साथ होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी तरह के सवालों को आपको वो डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ कि जो बच्चे भी छोटे छोटे, इनको ये चीज समझ नहीं आता है। वो अक्सर देखते हैं कि दुकान में एक बुढ़िया माता है, एक बुजुर्ग आदमी है, वो इस तरह के सवालों को तुरंत चुटकियों में आंसर निकाल देते हैं। यानी कि अगर मैं जाऊं, मैं बोलूँ कि अंकल मुझे जो है 800 ग्राम चीनी चाहिए, और चीनी की कीमत क्या है, चीनी की कीमत है 50 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो चीनी की कीमत आपकी जो है 50 रुपये है, तो 800 ग्राम की कीमत कितनी होगी। उन्हें 800 ग्राम चीनी तोला, आपको फर्स्ट से बोल दिया कि बेटे 800 ग्राम चीनी की कीमत 40 रुपये होगी, आप अपना सर खुजा कि इससे 800 ग्राम की एकदम से कैसे निकाल लिया। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ऐसे जिनको एकदम से निकालना नहीं आ पाता है, जरूरी नहीं कि सबको आ जाए, ठीक है, तो ये दिक्कत होती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के सिर्फ 2 स्टेप बताऊंगा, वो 2 स्टेप आपने एक प्रकार से रट लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद आप भी तुरंत ही इस तरह के जब दुकान में कभी जाओगे तो आप फर्स्ट से, चाहे 800 ग्राम को निकालना हो, 300 ग्राम को निकालना हो, 750 ग्राम को निकालना हो, या आपको 125 ग्राम की कीमत निकालनी हो, आप तुरंत एकदम से आप भी दुकानदार के साथ निकालो। आपने अक्सर देखा होगा कि दुकान में अनपढ़ बुजुर्ग महिलाएं, आदमी, बुजुर्ग लोग, बच्चे, इनफैक्ट बच्चे भी कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि जो तुरंत चुटकियों में जो है कीमत निकालते हैं, 125 ग्राम की, 225 ग्राम की, 250 ग्राम की आप कीमत निकाल लेते हैं, लेकिन आप लोग नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि आप यूजुअल नहीं, आपको उसकी शॉर्टकट टेक्निक पता नहीं। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे वो 2 स्टेप आपको बताएंगे कि इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। तो बच्चों, यहां पर मैं एक पहला स्टेप, मैंने पहला सवाल मैंने यही लिया है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 800 ग्राम की कीमत कितनी होगी। तो 2 स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप आपका, देखिए आप, पहला स्टेप ये है, आपने सिंपल क्या करना है, मैं बता रहा हूं, जो 50 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि जो 1 किलो की कीमत है, उसको आप सीधे 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करने पर जो आपका आया है 5, जो आपका आया 10 5 50 आया ना 5, तो ये 5 रुपये आपका आया है 100 ग्राम की कीमत, ये ध्यान रख रहे हैं, ये 100 ग्राम की कीमत आई है आपके पास, ठीक है। अब इसको 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये इसके पीछे का इतिहास दूसरा है, वो मैं बताऊंगा नहीं फिलहाल, अभी आपको शॉर्टकट तरीका सीखना है। इसको आपने 10 से डिवाइड किया, 5 रुपये पर 100 ग्राम की कीमत आपकी आ गई, तो ये 100 ग्राम की कीमत है, तो आपको पता है कि 50 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी। सीधी सिंपल सी बात है, 50 ग्राम की कीमत सिर्फ हो जाएगी 2.5 रुपये। क्यों भाई, सिंपल, 100 ग्राम की अगर 5 रुपये, 50 ग्राम की 2.5 रुपये जाएगी, 5 का आधा हो जाएगा सीधे, इसका आधा 50 है, इसका भी आधा हो जाएगा 250, ठीक है। तो यहां तो आपने समझा, ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जितने ग्राम के आपको कीमत निकालने, उसका जो ये पहला वाला अंक है यानी कि 800, 800 ये है ना, 800 गुणा के 100 है, तो सिंपल सी बात है, 8 × 100, 100 यानी कि 5, ये 100 ग्राम है ना, क्योंकि ये 100 ग्राम है, तो ये 100 ग्राम यानी कि 5, तो इसको हम कर देंगे सीधे 8 × 5 यानी कि 40 रुपये। तो सिंपल सी बात होगी, 2 स्टेप आपने सीख लिया है कि 800 ग्राम की कीमत कितनी आएगी, 40 रुपये जाएगी, ठीक है। ये नंबर एक सवाल था आपका। अब इसी तरह से एक नंबर दो सवाल, सेम सवाल है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, मैं यहां पर आप निकालता हूं 850 ग्राम यानी कि 800 ग्राम, 850 ग्राम की कीमत क्या होगी, ये था सवाल हमारा। तो इसके भी सेम 2 स्टेप जाएंगे, लेकिन थोड़ा यहां पर आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या पहला स्टेप क्या है, वही 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आगे 5 रुपये आएगा, 5 रुपये आप कीमत किसके आ गई, 100 ग्राम की कीमत आ गई है, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि 50 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 2.5 रुपये हो जाएगी, यहाँ पर सेम वही स्टेप, ठीक है। नंबर दूसरा स्टेप क्या है, अब हमको निकालना 850 ग्राम, तो आपको पता है कि 850 ग्राम, अब 800 ग्राम की कीमत तो आपको पता चलेगी, 800 ग्राम प्लस ये 50 ग्राम, भाई 8 × 100, 800 प्लस 50 ग्राम हो गया ना, तो आपको पता है 800, वैसे तो आप निकाल सकते हो, 8 × 5 ये 5 हो गया, 8 × 40, ठीक है, और प्लस 50 ग्राम की मतलब आप निकाले यहाँ पर 2.5 रुपये। तो ये इतनी, ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा सर ये तो कैलकुलेशन हो रही है, ये कैलकुलेशन बहुत इजी, आपको फटाफट से दिमाग में सोचना है,
ये हो जाएगा आपको, तो ये आपको हो जाएगा 8 × 40 और प्लस ये आपका 2.5 रुपए, यानी कि 42 रुपए 50 पैसे। तो यानी कि 850 ग्राम की कीमत आएगी 42 रुपए 50 पैसे। अगर मैं बोलूँ कि 125 ग्राम कीमत कितनी होगी, 125 ग्राम कीमत, भाई 125 किससे मिलकर बना हुआ, 100 और 25 से, तो 100 ग्राम की कीमत आपने निकाले 8 × 40, 100 ग्राम की कीमत, सॉरी 100 ग्राम की कीमत आपने 5 में निकाल ली है, और 25, तो 25 किसका 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 चौथा भाग है, 100 का चौथा भाग है, तो 100 का चौथा भाग यानी कि 5 का चौथा भाग हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि 2.5 रुपए का और आधा हो जाएगा, 50 ग्राम का 25 है तो 25 ग्राम का इसका ढाई, इसका भी आधा हो जाएगा, तो यानी कि ये आप हो जाएगा 1.25, तो यानी कि 1 रुपए 25 पैसे, तो 1 रुपए 25 पैसे वो आपका 125 ग्राम में 25 का आएगा, तो 100 का हो गया आपका कितना, 100 का आपका कितना, 100 ग्राम का आपका 5 रुपए हो गया, और 25 ग्राम का आपका कितना हो गया, प्लस 1 रुपए 25 पैसे, यानी कि 6 रुपए 25 पैसे, तो ये आपका 125 ग्राम की कीमत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या कि सर्वप्रथम आपने 100 ग्राम पर निकालना है, तो 100 ग्राम पर निकालने के लिए आप हमेशा के 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड इसलिए करें क्योंकि 10 क्या है, 100 का 10वां हिस्सा है, क्यों, क्योंकि 10 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 100 आता है, तो इसलिए उस हम 10 से डिवाइड करते हैं। कितनी भी कीमत हो, अब मैं मान लो कि 67 रुपए किसी की कीमत है, यहां देखिए मैंने बोले कि माना 67 रुपए किसी की कीमत है, किसी भी चीज की कीमत के 67 रुपए, तो 100 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 10 का भाग कर देंगे 6.7, ये 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.7, यानी कि 100 ग्राम की कीमत आएगी आपकी 6.7, यानी कि 6 रुपए 70 पैसे। अगर इसी में अगर आपको बोलूं कि भाई आप निकालो तुम 300 ग्राम कीमत, 300 ग्राम की कीमत, तो 300 ग्राम में 3 है, तो 3 × 100 ग्राम की कीमत आपकी ये 6.7, तो 6 मतलब 3 × 3 = 21 और 3 × 6 = 18 × 2 = 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 रुपए 10 पैसे हो जाएगा, यानी कि 300 ग्राम की जाएगी 20 रुपए 10 पैसे। तो इस ढंग से आप सवालों को निकाल सकते हो कि कैसे आपने 100 ग्राम वगैरह इस ढंग से इसके कीमत आपने निकाल ली। तो बच्चे इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मैं इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको 1 किलोग्राम की कीमत दी जाती तो आप हमेशा 100 ग्राम पर उसकी कीमत निकाल दीजिए, 100 ग्राम की कीमत निकाल, और 100 ग्राम की कीमत कैसे निकालोगे, सीधे 10 से डिवाइड करना है कि दशमलव का एक स्थान लगाना है। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई यहां पर माना 625 रुपए किलो है, 625 रुपए पर किलोग्राम है माना, तो इसको 10 से तो डिवाइड करना है आपने, तो यानी कि दाएं दशा का एक स्थान लगाना है, तो यहाँ का 62 रुपए 50 पैसा आएगा कि पर 100 ग्राम कीमत हो जाएगी। आपने जितने ग्राम में निकाल लिया 600 ग्राम में, तो 600 गुणा कर दीजिए आ जाएगा उतने ग्राम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो पहले आपने 100 ग्राम पर निकालना है, उसके बाद जितने ग्राम का आपको निकालना है उसको उतने के गुणा से गुणा कर देना है, 800 ग्राम का निकालो तो 800 गुणा कर दीजिए, 700 ग्राम का निकालो तो 700 गुणा कर दीजिए, 300 ग्राम का निकालो तो 300 गुणा कर दीजिए 100 ग्राम वाली कीमत पे। तो इस ढंग से आप जो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये यहाँ भी तो हम गुणा भागी कर रहे हैं, लेकिन ये गुणा भाग तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। जैसे आप 100 ग्राम पर निकाल दोगे, अगर 300 ग्राम पर निकाल, मैंने 100 ग्राम की कीमत माने 5 रुपए, 300 ग्राम की 15 रुपए हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ऐसी अगर मैं बोलूँगा 100 ग्राम की मतलब 6 रुपए निकाल दी मैंने, तो 800 ग्राम कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, 8 × 6 = 48। जैसे मैं फटाफट निकाल लो वैसे ही आप भी निकाल दो, यानी कि 100 ग्राम की कीमत निकाल लो, उसको 800 ग्राम की 8 से गुणा कर दो, 700 ग्राम की 7 से गुणा कर दो, 650 ग्राम है तो पहले 6 से गुणा कर दीजिए 100 ग्राम कीमत से, फिर उसमें 50 ग्राम यानी कि 100 ग्राम का आधा का उसको जोड़ दीजिए, वो कीमत दी गई। थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस तरह से आप ये छोटी छोटी बातों को सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में ये जरूर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।